आप एग्ज़ाम्पल बनेंगे और आप बताएंगे कि आप में अच्छा क्या है और उसको प्रैक्टिस करके बताएंगे देन पुट टुगेदर अ टीम तो हमने क्या करना है बच्चों को ये बताना है कि जो कुछ आप कर रहे हैं दूसरे उसको नकल कर रहे हैं दूसरे उसको देख रहे हैं और एक इस तरह से उनको जैसे हमने उनको कहा कि दूसरों से अलग करें तो वो दूसरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बने फिर वो एक टीम डेवलप करें अपने साथियों को चुने अपनी मर्जी से जो उनको पसंद है और जिसके साथ वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं देन टीच अ चाइल्ड टू हैंडल फेलियर सक्सेसफुली देखिए ये बहुत ज़रूरी है जो कुछ हो रहा है बच्चे जो भी सरगर्मी या एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें बहुत कुछ वो गलत भी करते हैं और जब गलत करते हैं उसके ऊपर उनको डांटा डपटा जाए उनको महरूम कर दिया जाए नेगलेक्ट कर दिया जाए या उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाए या अगर पेरेंट्स उनसे कोई चीज़ रोक लें तो ये सेहतमंद रवैया नहीं है बल्कि होना ये चाहिए कि उनको बताया जाए कि जो गलती हुई है इससे भी वो सीख सकते हैं अगर वो गिर गए हैं उनको चोट लग गई है तो उनको कहा जाए कि वो बहादुर हैं और वो इस चैलेंज का सामना कर सकते हैं वो उठे और दोबारा से अपनी एक्टिविटी को शुरू करें और अगर कोई गलती कर दी है तो उनको बताया जाए कि अब आप चूंकि आपको पता चल गया है कि इस गलत बात के बुरे नतज़ निकल सकते हैं इसलिए आइंदा आने वाले दिनों में आप ये नहीं करेंगे देन नेगोशिएशन इज़ अ स्किल जैसे हम ये कहते हैं कि बाज़ात बच्चे ज़िद कर रहे हैं या एक ही गलत काम करने पर उन्होंने ठान ली है तो उस वक्त उनको नगेशियशन स्किल्स सिखाने की ज़रूरत है यानी बड़ों का काम ये है एज एन एजुकेटर या वालद के तौर पर वालदा के तौर पर वो उसके सामने ऑप्शनस रखें कि भई अगर हम ये नहीं कर सकते फ़र्ज़ करें इस वक्त इसकी गुंजाइश नहीं है किसी वजह से हम नहीं कर सकते या टॉय आपको नहीं मिल सकता तो हमारे पास बहुत सी ऑप्शन हैं हम ये भी कर सकते हैं हम बाहर जाके खेल सकते हैं हम दूसरे बच्चों के साथ ग्रुप बना के कोई नया स्किट कर सकते हैं हम कोई स्टोरी सुना सकते हैं या हम फला काम कर सकते हैं तो आप उसके सामने छोटी छोटी ऑप्शंस रखें और उसमें से उसको बताएं कि वो यहाँ पे डिसाइड करे और वो कर सकता है डिसाइड इन ऑप्शंस के अंदर से और फिर जो वो चाहेगा जो उसको पसंद होगा वही होगा देन लेट देम मेक डिसीशंस तो अब जब वो डिसीजन कर रहा है और बज़ाहिर वो डिसीशन नुकसानदेह नहीं है तो आप उसका डिसीजन मानें और उसको बताएं कि जब आप डिसीजन लेते हैं कुछ भी करने की तो उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी भी आपको लेना होती है। मसलन अगर आप बाहर जाके खेलना चाहते हैं तो फिर आपको इस बात की जिम्मेदारी लेना होगी कि आप गेट से बाहर नहीं निकलेंगे या किसी फूल पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या आप कहीं ऐसे किसी जगह पे नहीं खेलेंगे जहाँ से आपको चोट लग जाए क्योंकि अब ये आपका डिसीजन है इसलिए आपको अपनी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी लेनी है देन टाइनी एक्ट्स ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं पैदाइश से लेके आठ बरस की उम्र तक तो हम उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे थे किस तरह से छोटे छोटे काम उनको देखें वो छोटे काम जो वो कर सकते हैं मसला अगर दो साल के बच्चे से ये कहा जाए कि वो हाँ, आपके हाथ से प्लेट और चम्मच लेके किचन में रख आए तो वो शी कैन डू इट वह जाएगी वो रख आएगी और जब रख आएगी तो आप ताली बजाएं और खुश हों और उसको बताएं कि उसने बहुत बड़ा काम किया है इससे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा फिर जब वो तीन बरस के होते हैं तो वो चाहते हैं कि वो अपने कपड़े खुद बदलें अपना काम छोटे छोटे खुद करें तो करने दें भले से जूता उल्टा पहना जाए भले से वो कपड़े गलत पहन ले पहले बाजू डालने की कोशिश करें आप उसको गाइड कर सकते हैं लेकिन उसको खुद से करने दें ताकि उसका अतमाद बन जाए तो ये हमारे साथ एरिक एरिक्सन की जो थेरी है जिसमें वो कहते हैं कि आप दो से तीन साल का जो बच्चा है वो ऑटोनमी वर्सेस शेम के पीरियड में होता है जिसमें अगर उसको खुद से चीजें करने दी जाएंगी तो तमाम उम्र वो ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट हो जाएगा और अपने कामों को ख़ुद से करना पसंद करेगा अपने डिसीजन लेना पसंद करेगा और फिर वो ज़ाहिर है जब डिसीजन लेगा तो उसकी जिम्मेदारी भी लेगा और ख़ुदा ना खास्ता अगर आप उसको हर चीज़ पे रोकते हैं आप खाना खुद नहीं खाएंगे आपको खिलाया जाएगा आप ये नहीं कर सकते आप वो भी नहीं कर सकते तो होगा क्या कि उसके अंदर शेम डेवलप हो जाएगी और फिर वो शेम कभी भी नहीं जाएगी हम शुरू में मैनट्स के नाम पर बच्चों को बहुत सी चीज़ें रोकते हैं मतलब तो वो खाना खुद खाना चाहता है तो हम समझते हैं कि वो कपड़ों पे गिरा लेगा कपड़े गंदे कर लेगा तो इसलिए उसको खाना नहीं देना चाहिए होना ये चाहिए कि उसको कोई एप्रन दें कोई हिफाजती इंतजाम करें और फिर उसको कहें कि वो अपना खाना खुद खाए तो उसके अंदर ऑटोनमी पैदा होगी फिर हम ये कह रहे हैं कि वर्क वर्क डिवेलप ह्यूमिलिटी देखिए जापान फिलिपाइन और नॉर्वे इन कंट्रीज़ में बच्चे अपने स्कूलों की सफाई खुद करते अपने चीज़ों को खुद मैनेज करते हैं वजह क्या है कि वो उस दिन के पैदाइश से लेके जैसे ही वो एजुकेशन के सर्कल में आते हैं सिस्टम में आते हैं वो सीखना शुरू कर देते हैं ज़िम्मेदारी लेना सफाई रखना हमारा ही काम है अपनी चीज़ों को बिखरा हुआ अगर हम बिखेरते हैं तो उनको ऑर्गेनाइज़ करना भी हमारा ही काम है और फिर इसके अलावा लोगों को चीज़ें पेश करना और अगर पेश कर दी हैं बर्तनों को समेटना ये सारी उनकी जिम्मेदारी है तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को हम्बलनेस सिखाएं और जो इर्द गिर्द वर्कर्स हैं रियल लाइफ में जो काम कर रहे हैं जैसे सफाई का काम हो रहा है या कोई लेबर वर्क हो रहा है तो उसकी बड़ाई बयान करें ना कि बच्चों के अंदर उसमें नफ़रत और हेटफुलनेस पैदा करें और किसी किस्म की तहकीबी लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल ना करें ताकि उनको काम की अज़मत पैदा हो यह सबसे बड़ी लीडरशिप है जो बच्चा काम करने को पसंद करेगा एज ए डिग्निटी उसको एक्सेप्ट करेगा खुद भी करेगा और दूसरों को भी काम करने में मदद देगा तो वो वाकई एक बहुत अच्छा लीडर साबित हो सकता है आप तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से आप कुछ एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लॉन के अंदर या क्लासरूम के अंदर या स्कूल के जो लॉन है वहाँ पे कि वो किस तरह से मिलके कूड़ा करके उठाएं उसको एक जगह पे डालें इस तरह से ना सिर्फ ये कि वो स्कूल उस वक़्त साफ़ भी लगेगा बल्कि वो हमेशा के लिए उस एक्ट को अच्छाई की सूरत में अपने अंदर अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेंगे